एक 80 साल की माँ घर में बिल्कुल अकेले कई दिनों से खाना नहीं खाया, ऊपर से बीमार अवस्था में थी। उसके लिए ठीक से खाना पीना और उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था। हर पल भगवान से ले जाने की गुहार लगा रही थी। सौभाग्य से ये खबर तमिलनाडु के करूर जिले के कलेक्टर टी अबांगेन के कानों तक पहुंची। उदार हृदय वाला ये IAS अधिकारी अपनी पत्नी से खाना बनवाकर फिर टिफिन लेकर उस बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में पहुंचे, जिस बूढ़ी माँ से आसपास के लोग आंखें मूंद रहे थे। प्रभावशाली अधिकारी ने उनकी झोपड़ी में गए और बुजुर्ग महिला का हाल जाना। फिर DM साहब कहते हैं, माँ मैं आपके लिए घर से खाना लेकर आया हूँ, खाना खा लो। और महिला ने खाना खाया। फिर DM साहब ने उसका हाल चाल जाना। फिर चलते चलते DM ने वृद्ध महिला को पेंशन के कागजात देते हुए कहा, आपको बैंक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही पेंशन मिल जाएगी। यह बात सुनकर महिला बहुत खुश हुई। DM साहब के इस पहल से गांव वाले भी खुश हुए।